गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपकी astrology.com में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज आप लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, पीटी हो या मेंस हो, इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 1857 क्रांति टॉपिक जो है बहुत लंबा है, लेकिन इसको पार्ट वन पार्ट टू करके हम लोग इसको विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, 1857 की क्रांति पूरे भारत में कैसे उत्पन्न हुआ, इसका कैसे प्रारंभ हुआ, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 1857 की क्रांति को तीन नाम से जानते हैं। पहला सिपाही विद्रोह, दूसरा सैनिक विद्रोह, तीसरा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि 1857 की क्रांति को इन और नामों से जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसको भी आपको ख्याल में रखना होगा। दोस्तों, धीरे धीरे एक कहानी की तरह हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाम अस्टन थे, पाम अस्टन थे। दोस्तों, जिस समय 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था, जिस समय चल रहा था विद्रोह, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाम अस्टन थे। उसी तरह जिस समय 1857 क्रांति या विद्रोह चल रहा था, उस समय भारत में एक गवर्नर जनरल का पद होता था, वो गवर्नर जनरल पद पे पदस्थापित लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है दोस्तों, ये सब धीरे धीरे आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते जा रहा है। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय जो मुगल बादशाह था, वो मुगल का अंतिम बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, ये मुगल काल का अंतिम शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। दोस्तों, आगे हम देखेंगे 1857 की क्रांति में प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया गया था, जिसका रोटी जिसे चपाती भी बोलते हैं दोस्तों, और दूसरा था कमल। दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि 1857 की क्रांति जब हो रहा था, उस समय आंदोलनकारियों ने दो प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया। अब दोस्तों, प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करने का मतलब, मेरा तात्पर्य यह है कि आंदोलन अगर प्रारंभ होता था तो एक तरह से उस समय फोन का सुविधा या कुछ संकेत का सुविधा या इंडिकेटर का सुविधा कम होने के कारण यहाँ 1857 की क्रांति में दो चीज़ का, रोटी और कमल का, संकेत के रूप में या प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाएं। इसमें दोस्तों होता था कि जिस समय आंदोलन करने के लिए कहीं जाना होता था, तो उससे पहले ही, आंदोलन करने के पहले ही सबके घर रोटी या कमल के फूल जाकर के फेंक दिया जाता था। तो उस समय वो समझ जाता था कि हमको आंदोलन करने के लिए आज जाना है, इसलिए इसे प्रतीक चिन्ह माना गया। दोस्तों, आगे हम देखते हैं 1857 की क्रांति का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे की ओर पनप रहा है। दोस्तों, 1857 की क्रांति में एक व्यक्ति सबसे पहले आगे आते हैं, जिनका नाम रहता है मंगल पांडे, मंगल पांडे।
ठीक है दोस्तों, मंगल पांडे का थोड़ा सा जीवन परिचय हम लोग जान लेते हैं। मंगल पांडे का घर उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में रहता है। मंगल पांडे बैरकपुर में एक सैनिक पद पे पदस्थापित रहते हैं, बैरकपुर दोस्तों कोलकाता में। दोस्तों वहाँ अचानक इन्हें कुछ बातों को पता चलता है। दोस्तों एक दिन दमदम नामक स्थान पर, जो वर्तमान समय में इसे सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा के नाम से दमदम को जाना जाता है, जो कोलकाता में, दोस्तों वहाँ अचानक इनको पता चला कि हम लोगों को जो राइफल या बंदूक प्रयोग करने के लिए दिया जा रहा है, उस समय में दोस्तों एक इनफील्ड राइफल था वो प्रयोग करने के लिए दिया जाता था, और उससे पहले ब्रोन बेस एक राइफल होता था उसको प्रयोग करने के लिए दिया जाता था। दोस्तों दोनों में अंतर यह है कि ब्रोन बेस में जब गोली डालते हैं तो बटन सिस्टम से खुलता है, उसके बाद गोली डाला जाता था। लेकिन दोस्तों अचानक इनको पता चलता है कि अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज लोगों ने, अंग्रेज के अंतर्गत ये सेना थे, तो वहाँ इनफील्ड एक राइफल था जो दांत से खोल करके गोली को डालना पड़ता था। तो अचानक इनको पता चलता है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि दांत से खोल करके गोली उसमें डाला जाता था जो था इनफील्ड राइफल, अरे एक ब्रोन बेस था जो बटन सिस्टम से स्विच से खुलता था और उसमें गोली डाला जाता था। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि दोनों में क्या अंतर था, तो अंतर दोस्तों बहुत बड़ा था। दोस्तों जो इनफील्ड राइफल था, दोस्तों इनफील्ड राइफल था उसमें गाय और सुअर की चर्बी से युक्त जो कारतूस डाला जाता था या गोली डाला जाता था, वहाँ दांत से खोलने वक्त जो कैप होता था वहाँ इजी से खुलने के लिए, जल्दी से खुलने के लिए, सॉफ्ट रहने के लिए गाय और सुअर की चर्बी से बने ग्रीस का प्रयोग किया जाता था, वो भी इनफील्ड राइफल में। दोस्तों गाय और सुअर का जहाँ बात आता है, हिंदू और मुस्लिम के धर्म भ्रष्ट होने की बात यहाँ दिख रहा है आपको, पता चल रहा है आपको। इसलिए मंगल पांडे ने अंततः आक्रोशित होकर के, दोस्तों यहाँ लग रहा होगा ब्रोन बेस में डायरेक्ट स्विच ऑन कर देने के बाद खुल जाता था और गोली डाला जाता था, लेकिन इनफील्ड राइफल में दांत से कैप को खोलना पड़ता था, और जो खोलने की प्रक्रिया था वहाँ इजी से खुलने के लिए गाय और सुअर की चर्बी से बने ग्रीस का प्रयोग किया जाता था जो जल्दी खुल सके। इसीलिए दांत से खोलने का जो बात चल रहा था वो दमदम में मंगल पांडे को पता चलता है, और पता चलने के बाद 29 मार्च 1857 को अंग्रेज सेनापति दो रहते हैं जिसका नाम रहता है हडसन और दूसरा का रहता है बाघ, कहीं कहीं इसको बाघ भी लिख देता है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों को 29 मार्च 1857 ईस्वी को खुलेआम मंगल पांडे हत्या कर देते हैं। दोस्तों जो ऊपर हम बात बताएं उससे आक्रोशित होकर के मंगल पांडे ने हडसन और बाघ जो अंग्रेजी सेनापति रहते हैं, अंग्रेजी अधिकारी रहते हैं, उसे हत्या कर देते हैं। दोस्तों याद रखने के लिए 29 मार्च मतलब मार दिए या हत्या कर दिए, कहाँ, एक बाग में हत्या कर दिए, ठीक है। 29 मार्च, मार्च यहाँ है उन दोनों को, मार्च मार दिए किसको, हडसन को और बाग को हत्या कर दिए, हस है हत्या, कहाँ हत्या कर दिए, बाग में कर दिए, ये दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद इससे माहौल और थोड़ा ख़राब हो गया, अंग्रेज लोग और थोड़ा भड़क उठे। आगे चल करके 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज लोगों ने मंगल पांडे को बैरकपुर में ही खुलेआम फांसी दे देता है। दोस्तों आक्रोशित होकर के तो दो सेनापति को हत्या कर देते हैं। इसके बाद 1857 को ही मंगल पांडे को बैरकपुर में ही
खुलेआम फांसी दे दिया था दोस्तों। दोस्तों आगे चल करके इन्होंने एक पॉइंट और इससे पीछे छूट गया दोस्तों, उसको ध्यान रखना होगा। मंगल पांडे ने एक प्रसिद्ध कथन कहे थे जो है मारो फिरंगियों को। दोस्तों मारो फिरंगियों को मतलब होता है, मारो फिरंगियों मतलब होता है अंग्रेजों को, ठीक है दोस्तों। ये मंगल पांडे का एक प्रसिद्ध कथन था, मारो फिरंगियों को मतलब मारो अंग्रेजों को, ये भी दोस्तों ध्यान में रखना होगा आपको। आगे देखते हैं 1857 का क्रांति दोस्तों धीरे धीरे पनप रहा है। इस सभी बातों को देखते हुए जन क्रांति बढ़ते जा रहा है 1857 धीरे धीरे। 1857 की क्रांति में भारतीय लोग धीरे धीरे कूद पड़ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद एक घटना घटता है 10 मई 1857 जो उत्तर प्रदेश के एक मेरठ जगह है, यहाँ से भारतीय सैनिकों ने आंदोलन करना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। फर्स्ट बार अगर आप देखें तो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ एक स्थान है, वहाँ से आंदोलन करना प्रारंभ कर देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एक दिन बाद 11 मई 1857 को जितना भी भारतीय सैनिक आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता आंदोलन कर रहे थे, 11 मई को सुबह सुबह ही दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली पहुँच करके मुगल काल का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता घोषित कर देता है, ठीक है दोस्तों। क्या बताए हम कि 11 मई को सुबह दिल्ली भारतीय सैनिक या भारतीय जनता लोग पहुंचते हैं और मुगल काल का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता घोषित कर देते हैं, ठीक है आगे। और इसके बाद सेना प्रमुख जनरल बख्त खां को सेना प्रमुख घोषित कर दिया जाता है दोस्तों। 1857 की क्रांति के बारे में परिचय या इंट्रोडक्शन या पृष्ठभूमि अगर हम कहें तो इतना ही है। आगे 1857 क्यों हुआ, उसका कारण क्या रहा था, वो मुख्य कारण के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपना नोट्स बनाएं और आप प्रत्येक बातों को जो बताया गया है उस पे पैनी निगाहें रख करके ध्यान दें और आप अपने नोट्स कॉपी में नोट्स बनाएं। आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।